एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है, प्रत्येक तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय है, वहां के 10 बड़े रजिस्ट्री के स्टाम्प को एसडीएम और तहसीलदार प्रत्येक माह स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि जो संपत्ति थी उसका मूल्य क्या था, मूल्य के अनुसार स्टाम्प लगा है कि नहीं, अगर स्टाम्प की कमी पाई जाएगी तो उसमें स्टाम्प अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। हमारे जनपद में जो रजिस्ट्री कार्यालय हैं वहाँ पर आप जानते हैं कि संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है और उनमें तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं कि लोग स्टाम्प चोरी कर लेते हैं, जितना स्टाम्प उनको लगाना चाहिए वो स्टाम्प नहीं लगाते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये निर्देशित किया है कि प्रत्येक तहसील में जो उनके यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय हैं वहाँ के जो 10 बड़े स्टाम्प होंगे, 10 बड़े स्टाम्प एसडीएम साहब और उसके बाद के 10 बड़े स्टाम्प तहसीलदार साहब प्रत्येक माह उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि जो संपत्ति थी उसका मूल्य क्या था, मूल्य के अनुसार उसमें स्टाम्प लगा या नहीं लगा, अगर स्टाम्प की कमी पाई जाएगी तो उसमें बाकायदे स्टाम्प अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होकर के कार्रवाई की जाएगी।